आज हम आपको लेके चलेंगे रुठियाई में, ईंट भट्टा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में। ये देख सकते हैं आप, हम तब अंदर घुसे यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था। हम कंफ्यूज थे कि हम कहाँ आए, कहाँ से आए। देखिएगा यहाँ पूरे में कचरा भरा हुआ है, चारों तरफ ईंट भट्टे हैं और इसी के बीच स्कूल बना हुआ है। अरे दिव्य जी दिखाइएगा जरा स्कूल। देखिए ना कोई बाउंड्री वॉल है, ना कोई सेफ्टी बच्चों के लिए, और यहाँ पर पूरे में पानी भरा हुआ है। देख सकते हैं आप, बच्चे इन गड्ढों में गिर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पाँचवीं क्लास तक हैं, कक्षा एक से पाँचवीं तक के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। और देख सकते हैं ये कितना रिस्की है। इसी के पास में स्कूल बना दिया गया है और यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। पास ही के बस्ती के बच्चे हैं और आसपास के इलाके से आते हैं। देखिए ये हैंडपम्प है जो स्कूल के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर बाहर के लोग आके पानी भरते हैं, सुबह नहाते हैं और जैसे ही शाम होती है तो फिर इनका जमावड़ा बनता है नशेलची लोगों का, दारू पीना, नशा करना और यहाँ पर चीज़ों को बर्बाद करना। आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा तो किचन के लिए बनाया गया था, किसी ने तोड़ने की कोशिश की इसको भी। ये पंचायत के द्वारा बनाया गया था, पुताई मिट चुकी है और लोग इसे भी तोड़ने की कोशिश करते। तो ऐसे कैसे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहते, उनकी जो सुविधा थोड़ी मिली है उन्हें भी बर्बाद करते हैं। अगर बाउंड दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? आज हम टीचर से बात करेंगे, उन्हें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और किस तरीके से वो इसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि बारिश आ चुकी है। आप देख सकते हैं आगे कितना रिस्क हो सकता है। आइए हम बताएंगे आपको, यहाँ पे कक्षा एक से पाँच तक की कक्षा लगती है। मैम पढ़ा रही है, मैम से बात कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छे हैं जी, मैं आपको शुक्रिया बताएंगे। मेरा नाम निर्मला सोनी है। निर्मला मैम आप ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों को क्या क्या परेशानी आती है? यहाँ पे बच्चों को निकलने में बहुत समस्याएं होती हैं, जिससे मतलब रास्ता नहीं है और क्या जी। तो
तो ये गंदा है, बारिश होती रहती है, तो यहाँ से कैसे निकल पाते हैं? ऐसे में निकल जाते हैं, छुट्टी नहीं करना पड़ती। अच्छा, उसी में से निकल के जाते हैं जी। तो आपके अधिकारियों को आपने इन्फॉर्म नहीं किया, बाउंड्री वाल होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए प्रॉपर? बाउंड्री वाल का पहले से ही है, मैं तो अभी मतलब कुछ समय पहले ही आई हूँ, तो मुझे वो ज्यादा वो नहीं, तो अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, और क्या? और यहाँ पे जो CAC है वो कब कब आते हैं देखने के लिए? आते हैं CAC चेक करने। हाँ। अच्छा, और उनसे आप जो शिकायतें बताते हैं ना, क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हाँ, सब बताते हैं ना उन्हें जी। अभी कौन कौन सी कक्षा है आपके यहाँ पे? अभी यहाँ पे कक्षा 1, 2 और 3 बैठी जी। आप कौन सभी पढ़ाती हैं? मैं कक्षा 1-2 पढ़ाती हूँ। 1-2 पढ़ाती हैं। और विषय कौन सा है उसमें? सभी विषय पढ़ाती हूँ। अच्छा, और टोटल कितने बच्चे आते हैं? टोटल बच्चे आते हैं यहाँ 30 बच्चे आते हैं। हाँ। और क्या क्या समस्या है जिनको बच्चों को फेस करना पड़ता है? सबसे पहले बच्चों को क्या है कि ये लोग काम में लगे रहते हैं। अच्छा। पढ़ाई के कारण मतलब बहुत पढ़ने के लिए नहीं आते बच्चे। हाँ, या भी नहीं भट्टे में, अब यहाँ छोटे मोटे कामों ने मिल ही जाते, कभी ईंटें उठाना, कहीं कुछ करना, इस कारण से और क्या बहुत कम आते, और फिर मजदूरी पे चले जाते, सहरिया और ऐसे परिवार है तो मजदूरी करने चले जाते बार बार, तो इसलिए भी नहीं आ पाते हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद। जैसा हमने देखा कि यहाँ पे लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो गर्मियों में कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? गर्मियों में ऐसे ही करते, मैंने आवेदन भी दिया है जी। पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे खंभे की आवश्यकता है, खंभे 3 खंभे लगाया। मैंने कहा ऐसे तो अपन कहाँ से मैनेज कर सकते इतना। तो कुछ जो अधिकारी यहाँ पे उनको बताया? हाँ, मैंने आवेदन दिया है विद्युत मंडल में। Okay. उस विद्युत की कॉपी जो आपने आवेदन दिया है? हाँ, उसकी मेरे पास है। सीनियर लोगों को आपने बताया? हाँ, बता दिया। हाँ, बता दिया। अच्छा, तो उनकी प्रक्रिया क्या है? उन्होंने कह दिया करवा देंगे आप धीरे धीरे, प्रोसेस अब काम का धीरे धीरे। और क्या क्या समस्या है? बाउंड्री वाल हो जाए जिससे मतलब क्या है, बाहर के और लोग असामाजिक तत्व अंदर ना आए, मेन यही समस्या है बाउंड्री वाल की और विद्युत कनेक्शन की और सब। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ के नगर पालिका पार्षद जी हैं अग्रवाल सर, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर। सर यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आती हैं अधिकतर बच्चों को? हमने देखा बहुत ज़्यादा व्यवस्था फेल है, खुद जैसे बाउंड्री वॉल नहीं है, विद्युत कनेक्शन नहीं है और रास्ता भी क्लियर नहीं है बच्चों के लिए, पानी पाइपलाइन भी नहीं है जी। बिल्कुल, तो आपके द्वारा क्या क्या सुविधाएं भी दी गई हैं यहाँ पे? नगर पालिका ने अभी इनका प्रस्तावित है, वो है करंजा रोड टाइगो 15 फीट का, वो डालेंगे। ओके, बॉडी वॉल भी नगर पालिका की रहेगी इसमें। ओके, इसके अलावा और क्या क्या करने वाले हैं बच्चों के लिए, स्कूल के लिए आपकी तरफ से या नगर पालिका की तरफ से? बाउंड्री वॉल हो जाए, स्कूल हो जाए और हमें यहाँ लाइट के प्रकाश व्यवस्था हो जाए और क्या जी, नगर पालिका यही करेगी। हाँ, तो कब तक करवाने वाले हैं? क्योंकि मैम अधिकतर परेशान, अभी तो गर्मी निकल गई है जैसे तैसे, अगर जैसे ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश का ठंडा मौसम है तो फिर विद्युत की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो कब तक होने के चांसेस हैं? अभी नगर पालिका प्रस्ताव देना पड़ेगी, इसके बाद वो प्रोसेस नहीं किया, अभी कोई प्रोसेस नहीं जी। तो कब तक कर सकते हैं इसमें? मैं पार्षद जी से पूछ लूँगा, मैं पार्षद कितनी नहीं दूँ। अच्छा, आप पार्षद प्रतिनिधि जी जी। तो यहाँ पार्षद जी कौन है? मनीष अग्रवाल है मेरे नाम, मैंने बनवाया। अच्छा, ओके ओके जी, ठीक है। तो जल्द जल्द कीजिएगा, थोड़ी बच्चों को नहीं लगाया, प्रपोजल में दे दिया उन्होंने, जैसा हमारी 10-15 मांग है इधर सेरिया बस्ती की, पूरी हमने लिख के दी है उन्होंने को, यहाँ पे रोड लाइट और नल, अच्छा तीनों व्यवस्था करिएगा जी। तो नगर पालिका विगत 6 महीने से CMO नहीं था। ओके, अभी CMO साहब आए। अच्छा, अब अच्छा। मीटिंग भी होंगी तमाम तारीख, उसमें पास होंगे तो जैसे काम चालू हो जाएंगे, ठेकेदारों को पेमेंट भी नहीं हुए। अच्छा, एक साल हो गया। ओके, तो एक साल सर नहीं थे? हाँ, कुछ भी नहीं था, पूरी सुन्न पड़ी थी नगर पालिका। अच्छा, कचरा गाली आती थी हमारे यहाँ जी, पहले पर डे आती थी और 7 दिन में हो गई, 4 दिन में हो गई, DL नहीं मिलता था उनको, ड्राइवर को तंखा नहीं मिली, तो व्यवस्था गड़बड़ी हो जाती प्रशासन की तरफ से। ओके, आपने सुना, देखिए यहाँ पे पहले से व्यवस्थाएं फेल थी, तो सुविधाएं होंगी कैसे? आप देख रहे हैं सिटी चैनल, कैमरामैन देवेंद्र साहब, मैं हूं आशीष।